जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकंड ईयर। इस वीडियो में जानेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बीएड सेकंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लेकर। इसमें हम जानेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर के एग्जाम्स होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल और कितने नंबर का रिटन पेपर होता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है ये बीएड सेकंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तीन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो, जो भी स्ट्रीम हो, जो भी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम बी फार्मा बीटेक जो भी आपका ग्रेजुएशन रहा हो, बीएड सेकंड ईयर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है। जो तीन सब्जेक्ट्स है वो सारे बच्चों के लिए कॉमन है और उन तीन सब्जेक्ट्स को सारे बच्चों के लिए पढ़ना है। तो वो सब्जेक्ट्स के नाम क्या क्या है? पहला सब्जेक्ट है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, हिंदी में बात करें तो शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। याद है एक्शन रिसर्च हमने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो एक टॉपिक पढ़ा था हमने, एक यूनिट पढ़ा था, मगर यहाँ पे एक्शन रिसर्च की पूरी किताब पढ़नी है। तो सेकेंड सब्जेक्ट आपका है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इश्यू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। तो आपका तीसरा सब्जेक्ट क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे। तो ये आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं। तीन सब्जेक्ट की जो प्रमुख किताबें हैं, जो मेन बुक्स जो रेफर करते हैं आप, दो बुक्स चाहे वो अग्रवाल पब्लिकेशन या फिर आर लाल पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं आपको पहले किताब दिखा दूँ, ये मुख्य किताबें हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं। पहला आपका जो सब्जेक्ट्स है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। जो दूसरी किताब है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। और तीसरी बुक समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू। तो ये तीन मुख्य किताबें हैं बीएड सेकंड ईयर जो कि हर एक बच्चे को पढ़ना है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। सबसे पहले मैं एक एक्स स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट जो कि बीएड सेकंड ईयर से इस साल पास आउट हुआ है, उस साल उसका रिजल्ट आया 2021 में, उसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहले आप इस रिजल्ट को देखिए और इस रिजल्ट को देखने के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जाम्स पैटर्न कैसे होता है। तो देखिए, तो सेकंड ईयर में आपको जो टोटल पेपर होने वाला है 500 नंबर का पेपर होने वाला है और ये 500 नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट थियरी, सेकेंड प्रैक्टिकल। जो थियरी पेपर होगा, जो रिटन पेपर होगा, चूंकि आपके पास तीन सब्जेक्ट्स है तो 300 नंबर का थियरी पेपर होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। थियरी पेपर में भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट ये है कि वह पेपर जो आपको एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना है, तो तीनों सब्जेक्ट्स के 80-80 नंबर के पेपर आपको एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना है। 20 नंबर है, 20 नंबर आपको कॉलेज वाले इंटरनल से देते हैं, मे बी आपके जो मिड एग्जाम्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स होता है, जो टेस्ट होते हैं, उस बिहाफ पे आपका कॉलेज आपको 20 नंबर प्रोवाइड कराता है। यानी कि टोटल थियरी पेपर में आपको 300 नंबर का होगा, जिसमें 80-80 यानी कि 240 नंबर आपका थियरी पेपर होगा जाके एग्जाम में लिखना है और 20-20-60 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट यानी कि प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपके टोटल 200 नंबर के होने हैं। 200 नंबर में 150 नंबर वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आके देंगे, जो आपके कॉलेज में आते हैं, आपकी फाइल चेक करेंगे, आपसे एक बार माइक्रो टीचिंग कराई जाएगी, फिर उस बिहाफ पे आपको 150 में से जितने भी अंक मिलने हैं आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो विश्वविद्यालय की तरफ से आता है वो देगा। और रही बात 50 नंबर की, तो ये 50 नंबर आपके बिहेवियर, आपके एप्टीट्यूड, आपकी अटेंडेंस और आपके कॉलेज में परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉलेज आपको देता है। तो टोटल 300 नंबर का थियरी पेपर, 200 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर। तो ये है टोटल दोस्तों एग्जाम पैटर्न बीएड सेकंड ईयर के लिए। तो थोड़ी सी और डिटेल्स जान जाते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है और इन तीनों सब्जेक्ट्स में टोटल यूनिट कितने डिवाइड है। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरण शिक्षा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस सब्जेक्ट्स में आपके टोटल 6 यूनिट हैं, आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो दूसरा आपका सब्जेक्ट है अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट समसामयिक भारतीय शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, तो इस सब्जेक्ट में आपको 6 यूनिट पढ़ना है। यानी कि आपको टोटल इस बार 17 यूनिट पढ़ना है
फर्स्ट सब्जेक्ट्स में 6 यूनिट, सेकंड सब्जेक्ट्स में 5 यूनिट और थर्ड सब्जेक्ट्स में 6 यूनिट, टोटल आपको 17 यूनिट पढ़ना है। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, इसी प्रकार सेकंड सब्जेक्ट्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या पढ़ना है और थर्ड सब्जेक्ट्स के फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या पढ़ना है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ये जानकारी मिलेगी आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल से, अब एक्सप्लेन करके पढ़ा जाएगा, बहुत टाइम है, वी हैव इनफ टाइम एंड वी हैव टू कंप्लीट जस्ट 17 यूनिट्स, ओके, सो इजीली वी कैन डू दैट। द ओनली वन थिंग यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल्स, ओके, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स, जुड़े रहिए चैनल से, अब मतलब इनफ टाइम है, हम अच्छे से तैयारी करेंगे सेकंड ईयर के, सो मिलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, feel free to ask in the comment box, definitely you will get reply, see you, bye bye, Jai Hind।